सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहित गेमिंग। सो भाई, आज हम खेलेंगे वर्ल्ड सीरीज 3। तो आज हमने भाई टीम लिया पाकिस्तान, और आज हम खेलेंगे इंडिया के खिलाफ। तो भाई वैसे हम इंडिया और पाकिस्तान खेलते, पर आज हम पाकिस्तान को लिए हमने। सो देखते किस तरीके से खेलेंगे हम इंडिया के सामने यहाँ पे। तो मैच को शुरू करते भाई बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे मैच थोड़ा लोड होता हुआ, तो चलो भाई शुरू होता हुआ गेम प्ले हमारा। तो भाई यहाँ पे टॉस का टाइम है, सो देखते कौन टॉस जीतता है, इंडिया या पाकिस्तान। सो यहाँ पे हम हेड सुनेंगे, तो देखते भाई हु विल विन द टॉस। तो भाई यहाँ पे आई थिंक इंडिया हैज़ वॉन द टॉस। नहीं भाई, हमने टॉस जीता है। तो भाई हम पहले क्या करें भाई लोग, हम पहले बैटिंग करेंगे इंडिया के खिलाफ। तो देखते भाई लोग हम कितने रन का टारगेट दे सकते हैं इंडिया के खिलाफ। तो यहाँ पे हम फ़खर जमान और बाबर आजम को लेके आए हैं, तो देखते दोनों किस तरीके से खेलेंगे इंडिया के खिलाफ। तो पहला ओवर युजवेंद्र चहल कराएंगे, तो देखते भाई लोग किस तरीके से चहल खेलेंगे, मतलब फ़खर जमान खेलेंगे फर्स्ट बॉल ऑफ द ओवर, और सीध बच गए भाई, यहाँ पे कैच छोड़ दी इंडिया से, ख़राब फील्डिंग थोड़ी। यहाँ पे लग बच गए, तो भाई पहली मतलब 4 रन चुरा लिए भाई हमने, दौड़ के रन ले लिए। तो देखते हैं सेकंड बॉल किस तरीके से खेलेंगे फ़खर जमान भाई, इस बार बाउंड्री की ओर पहुंचा दिया, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे फ़खर जमान से, 6 रन, बहुत ही तगड़ा शॉट खेला भाई यहाँ पे, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो अब थर्ड बॉल देखते कुछ वापसी कर पाएंगे चहल या नहीं भाई। ये भी 6 बैक टू बैक 6 मार रहे हैं यहाँ पे फ़खर जमान, बहुत बढ़िया बैटिंग भाई, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के खिलाफ। 16 रन आ चुके हैं 3 बॉलों में। देखते हैं फोर्थ बॉल, ये भी बाउंड्री की तरफ भाई, बहुत ही बढ़िया 3 छक्के मार दिए 3 बॉलों में, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे भाई, ऑडियंस को देख सकते हैं बहुत खुश है ऑडियंस यहाँ पे भाई, बहुत ही बढ़िया। चहल अच्छी ओवर नहीं कर पाए यहाँ पे इंडिया के लिए। देखते हैं फिफ्थ बॉल ऑफ द ओवर, और ये 4 रन की ओर भाई, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे फ़खर जमान भाई, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, 5 बॉलों में 26 रन बटोर लिया भाई। और भाई अभी तक के हमारे गेम प्ले में हाईएस्ट स्कोर है 5, मतलब एक ओवर में। देखते हैं आखिरी बॉल ऑफ द ओवर, और देखते हैं इसमें थोड़ा टाइमिंग नहीं हुआ भाई लोग, पर यहाँ पे डबल मिल जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया रन निकाला है यहाँ पे। तो भाई पहले ओवर में रन आए 28 रन आए बिना किसी विकेट के। सो देखते दूसरे ओवर में और कितने रन बटोर सकते हैं यहाँ पे, चलो भाई देखते दूसरे ओवर में क्या कर सकते हैं हम। अब रविंद्र जडेजा कर रहे हैं भाई, इंडिया स्पिनर को करा रही है, पेस बॉलर लाए ही नहीं। देखते हैं बाबर आजम किस तरीके से खेलेंगे पहली बॉल, टाइमिंग हुई नहीं है कैच, बच गए भाई यहाँ पे बाबर आजम, एक खाता खोला जरूर पर भाई टाइमिंग नहीं करी पहली बॉल में। देखते हैं फ़खर जमान किस तरीके से खेलेंगे भाई, जडेजा बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा मौका नहीं दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे जडेजा से। देखते हैं तीसरी बॉल, ये सीधा स्ट्रेट मारा भाई, 4 रन मिलेंगे इसमें, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे गैप में, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है भाई पाकिस्तान की टीम। ये ओवर थोड़ा अच्छा गया इंडिया के लिए, 7 ही रन आए हैं 3 बॉलों में। सो देखते हैं आखिरी की 3 बॉल किस तरीके से खेलेंगे फ़खर जमान। ओ भाई बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट भाई, एकदम लाजवाब छक्का मारा यहाँ पे ओवर की 4th बॉल पर, बहुत बढ़िया शॉट। और 5th बॉल देखते ओवर की किस तरीके से खेलेंगे फ़खर जमान, ये भी चौका मिले भाई, स्ट्रेट खेले यहाँ पे, कोई फील्डर नहीं रोक सकता, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे फ़खर जमान भाई लोग, मतलब। और लो भाई नो बॉल और आ गई, जडेजा का ओवर हम अच्छा कह रहे थे, पर जडेजा प्रेशर में आ गए यहाँ पे। देखते फ्री हिट पे कितना फ़ायदा हम उठा पाएंगे या नहीं, तो देखते भाई लोग। तो भाई बहुत ही तगड़ा फ़ायदा उठाया, 6 रन, बहुत बढ़िया, और इसी के साथ अपनी 50 तक पहुँचते हुए फ़खर जमान में, बहुत ही बढ़िया 50 यहाँ पे, 11 बॉलों में 50 बना दिए भाई, 454 के स्ट्राइक रेट भाई, बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पे फ़खर जमान से, देख सकते हैं टीम कितनी खुश है यहाँ पे। और भाई पाकिस्तान ने 52 बना ली भाई, पूरा क्रेडिट जाता है फ़खर जमान को भाई, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। आखिरी बॉल डालेंगे ओवर की, और ये भी बहुत ही क्लासिक शॉट भाई, 4 रन मिलेंगे, बहुत बढ़िया। तो भाई इस ओवर में भी अच्छे खासे रन आ गए, तो भाई पाकिस्तान ने 56 बना दिए हैं 2 ओवर में। सो देखते हैं इंडिया 57 रन चेस कर पाएगी या नहीं। तो चलो भाई अब बारी है बॉलिंग की, सो रोहित शर्मा शिखर धवन को फेस करेंगे हमारे बॉलर,
तो हम पहली बॉल कराएंगे वहाब रियाज से, तो देखते हैं किस तरीके से रोहित शर्मा खेलेंगे हमारी पहली बॉल को। पहली बॉल डालेंगे रोहित शर्मा को वहाब रियाज, तो देखते हैं किस तरीके से रोहित मैन शर्मा खेलते पहली बॉल। भाई फर्स्ट बॉल बहुत ही चतुराई से खेल दिया, यहाँ पर डबल मिल जाएगा, एक ही मिलेगा भाई क्योंकि बहुत ही पास से फील्डर, बहुत बढ़िया मतलब खाता खोले यहाँ पे एक रन से, बहुत बढ़िया बॉलिंग वहाब रियाज की। देखते हैं सेकंड बॉल ऑफ द ओवर किस तरीके से, अब शिखर धवन खेलेंगे पहली बॉल। ओ भाई बाउंड्री के साथ शुरुआत करी यहाँ पे शिखर धवन ने, बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पे, बहुत ही मतलब एकदम ना शॉट बहुत ही अच्छा खेला यहाँ पे, फील्डर था वहाँ पे पर जब भी बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे शिखर धवन से। देखते हैं भाई थर्ड बॉल किस तरीके से खेलेंगे शिखर धवन, यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा भाई, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे, मेरे को तो लगा था डबल ना ले ले भाई लोग। तो भाई लोग आप कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट ही नहीं करते हो भाई, चैनल देखते हो तो कमेंट करा करो ना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। तो ये सीधा फील्डर के यहाँ कोई रन नहीं, बहुत बढ़िया। फिफ्थ बॉल डालेंगे वहाब रियाज, भाई चार बॉलों में छः ही रन आए हैं मात्र, बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे वहाब रियाज से, ये भी सीधा फील्डर के हाथ में डबल मिल जाएगा भाई लोग यहाँ पे। पर भाई वहाब रियाज ने मैच बना दिया भाई, अब क्या बनाएंगे, सात बॉलों में 49 की ज़रूरत है, ये तो बनने भी नहीं वाले। अब आखिरी बॉल डालेंगे वहाब रियाज अपने ओवर की, सो देखते रोहित भाई ये वाइड डाल दी थोड़ी, बहुत बढ़िया कीपरिंग यहाँ पे, अभी भाई यहाँ पे चौका जा सकता था पाँच रन फ्री के, पर कीपर ने बहुत बढ़िया कीपरिंग करी यहाँ पे। देखते भाई आखिरी बॉल ओवर की किस तरीके से जाती है, ये भी वाइड भाई, पता नहीं क्या कर रहे हो वहाब रियाज भाई, दो लगातार वाइड डाल चुके हैं। देखते आखिरी बॉल कैसे खेलेंगे रोहित शर्मा, सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन, बहुत बढ़िया डाइव यहाँ पे रोका फील्डिंग के लिए, बहुत बढ़िया रन बचाए यहाँ पे। तो भाई छः बॉलों में रन की ज़रूरत है 47, जो भाई बनने नहीं वाले। भाई पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया मैच को कर लिया कब्जे में भाई, मतलब इंडिया ने भाई इंडिया से जो उम्मीद थी इंडिया वो नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई भाई, 10 ही रन बना पाई है एक ओवर में भाई। तो यहाँ पे थोड़ा पाकिस्तान भाई अच्छा खेल गई है। तो देखते हैं पहली बॉल सेनवारी कराएंगे सीधा फील्डर के पास, यहाँ पे डबल मिल जाएगा, ग्राउंड थोड़ा बड़ा सा है तो यहाँ पे दो रन मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया भाई। सिकर मतलब इंडिया ने ना थोड़ा अटैकिंग टाइप खेला नहीं, डबल और सिंगल के लिए खेलती नज़र आ रही है अभी भी, ये देखो भाई अभी भी वही कर रहे हैं ये। तो भाई आप कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, और आप बता सकते हो कि और कौन सी फ़ोन मतलब एंड्रॉयड गेम में ट्राई करूं, भाई एंड्रॉयड ही बताना, वो फ्री फायर और पबजी को छोड़ के। सो देखते हैं भाई थर्ड बॉल यहाँ पे भी डबल मिल जाएगा भाई, भाई इंडिया ने डबल के लिए खेला मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस मैच को, भाई सिर्फ डबल डबल ही लेके मतलब चौके छक्के मार ही नहीं रहे हैं। फोर्थ बॉल कराएंगे भाई, पाकिस्तान ने मैच तो आराम से जीत लिया है यहाँ पे। देखते हैं फोर्थ बॉल रोहित शर्मा, भाई बहुत बढ़िया हिट यहाँ पे रोहित शर्मा से भाई, अब मारा है जब मतलब मैच हारने में थी, पर भाई बहुत बढ़िया शॉट, शॉट तो भाई लाजवाब खेला है। फिफ्थ बॉल देखते हैं, यहाँ पे एक ही मिलेगा, बहुत बढ़िया भाई, पाकिस्तान मैच को एकदम ही बहुत ही अच्छे तरीके से कब्जाया अपने हाथ में। आखिरी बॉल डालेंगे इनिंग्स की सेकंड इनिंग, और भाई यहाँ पे पाकिस्तान आराम से मैच को जीत चुकी है, विकेट इंडिया गिरी ना गिरी पर यहाँ पे जब भी पाकिस्तान मैच जीत गई है, तो भाई यहाँ पे 33 रन से मैच जीती है पाकिस्तान, 33 रन। तो भाई देख सकते हैं पाकिस्तान के मुँह पर मतलब खुशी आप देख सकते हैं प्लेयरों में कि कितनी खुशी है, और यहाँ पर ऑडियंस भी बहुत खुश है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलो, आप सब्सक्राइब करो, जो आपके मतलब आइकन के बगल में सब्सक्राइब हो उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो भाई अब हम आपको मिलेंगे अगली गेम प्ले में।